गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हमने बैंक निफ्टी में 34,800 का पुट बाय किया था और उसको हमने बाय किया था 386 पे और 415 पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे, ऑलमोस्ट 28 पॉइंट्स का मोमेंटम है। इसको हम बाय करना चाह रहे थे 370 के आसपास, लेकिन ये जो मोमेंटम है थोड़ी और ऊपर चली गई थी। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमको क्लियरली दिखेगा कि हमने ये ट्रेड क्यों लिया था। इसको मैं बैंक निफ्टी के चार्ट के साथ कंपेयर करके भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो मोमेंटम हुई थी यहाँ पर, ये जो कैंडल है उसका हाई था 310 और ये जो कैंडल है इसका हाई था 377। तो हम लोग इसके ऊपर अपना बाय कंसिडर कर रहे थे ताकि यहाँ तक, जो कि है 430 का लेवल, तो उससे पहले 415 तक हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। इसको मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से, ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि किस तरह से बैंक निफ्टी में मोमेंटम थी मॉर्निंग आवर्स में और ये कितने टाइम में हमारा ट्रेड कम्प्लीट हुआ था। ये जो ट्रेड है जस्ट 1 मिनट में कम्प्लीट हो चुका था। हम जो लेना चाह रहे थे यहाँ पर पोजीशन, जो कि थी यहाँ पर, ये जो एक बेरिश कैंडल थी उसका जो मोमेंटम था यहाँ पर ब्रेक हुआ। इसके ऊपर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये एक रिवर्सल की कैंडल बनी है, लेकिन उसको भी एंगल्फ करते हुए ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई। तो यहाँ पर हमने एंट्री की और ये कैंडल का जो हाई है वहाँ तक हम अपना टारगेट ले सकते थे। उससे पहले हमने 415 पे अपना टारगेट बुक कर लिया, क्योंकि गैप डाउन हुआ फिर ये गैप फिल होने की प्रोबेबिलिटी थी। तो यहाँ से एक बार गैप फिल हुआ, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ और फिर ऊपर की ओर मोमेंटम हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी अगर वन डे में हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम आज के दिन में देखते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से एक नीचे की ओर मोमेंटम हुआ था। तो जो था 35,127 का हाई, मतलब कि 35,100 का रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर लोअर जो सपोर्ट एरिया आ रहा था वो आ रहा था 34,250, तो ये 34,500, और दूसरा जो सपोर्ट एरिया रहा था वो ये था 34,800। तो उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी होने की वजह से हमने जो एंट्री की थी वो भी मैं आपको ऑर्डर बुक में जाके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने ट्रेड लिया था। 9:30 पर हमने ट्रेड लिया और 9:31 पर हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरह से आप अपनी पोजिशंस कैरी कर सकते हो बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 34,800 का पुट हमने मई महीने की एक्सपायरी कर लिया था और मई की जो एक्सपायरी है वो आप देख सकते हो 27th, मतलब अब से 3 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। 9:30 पर अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो 9:30 पर आप देख सकते हो यहाँ पर क्लियरली इसने लो बनाया था 34,789 का। दैट मीन्स उस 34,800 के नीचे आ चुका था 20 पॉइंट तक, और उसी पॉइंट का हमने फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर नीचे की ओर मोमेंटम हुई स्ट्रॉन्ग, जो कि एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा ही कम थी। लेकिन इस जो ये जो मोमेंटम हुई 34,800 का एक लेवल है वो ब्रेक हुआ, और वो ब्रेक होते ही नीचे की ओर मोमेंटम कर गया और 10 बजे तक उसमें एक नीचे अच्छा खासा डाउनफॉल आया था। तो बैंक निफ्टी में हमारा जो ये मोमेंटम है उसमें भी आप देख सकते हो 9:30 से 10 बजे तक जो मोमेंटम आया है तो उसमें भी 450 तक इसने अपना हाई बना दिया था, 459। मतलब कि ये जो रेंज थी उसके ऊपर बैंक निफ्टी चला जा चुका था और 10:04:05 पे 584 का हाई इसने बना दिया था, जो कि प्रीवियस जो रेंज थी उसके ऊपर गया।
फिर नीचे आया। तो यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या मोमेंटम हुई है। तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग, ये आप कह सकते हो कि मॉर्निंग स्टार कैंडल बनी हुई थी, 3 कैंडल का सेटअप, ये 50% के ऊपर क्लोज हुआ और यहाँ पर हमने एंट्री की। तो इस तरह से मोमेंटम में आपको अपना ट्रेड लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अब की बैंक निफ्टी की और इंट्राडे के लिए आपको कैसे पोजीशन साइजिंग और कितनी क्वांटिटी लेनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो में चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आप ज़ीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप अपना ओपन कर सकते हैं, जिसके बेनिफिट्स आपको, आपकी डिटेल्स आपको ईमेल पे मिल जाएगी। और अगर आप हमारे ब्लॉग को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि NSE स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर जिसमें आप देख सकते हो कि पार्टिकुलरली किस तरह से हम डेली 3 स्टॉक सिलेक्ट करते हैं फॉर इंट्राडे। और यहाँ पर अगर आप, ये पोस्ट है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पर ज़ीरोधा ओपनिंग के लिए भी एक लिंक दी हुई है, यहाँ से आप इसको ओपन करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और फ्री एनालिसिस डेली पे आपको क्लिक करना है तो ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरना है और दैट्स इट। सब्सक्राइब पे क्लिक करते ही आप NSE स्टॉक्स टेक्निकल एनालिसिस की जो भी अपडेट्स हैं आपको आपके मेल में मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए जो कि टेक्निकल एनालिसिस और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। और यहाँ पर यूट्यूब चैनल धवल मालवानिया में आपको इंट्राडे के बारे में अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन फ्री में सीखने को मिलेगी। अगर आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो टेक्निकल एनालिसिस का, तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ पर आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में बैंक निफ्टी की मोमेंटम के साथ।